हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं में अपन सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत आप अपन आज पढ़ेंगे संसद। क्या पढ़ेंगे अपन? संसद। तो जो संसद है पढ़ेंगे तो ये क्या कार्यालय के ज्ञापन के उदाहरण। जब एक कार्यालय है उसका ज्ञापन है। जो कभी कभी देखा होगा आपने कोई, जैसे आप सुनते होंगे कि कई लोग ज्ञापन देते हैं, जैसे कोई किसी की कोई समस्या होती है, कुछ होता है तो उसके लिए व्यक्ति जाकर कलेक्ट्रेट में या फिर जो भी कार्यालय होते हैं वहां पर ज्ञापन के उदाहरण में आपको संसद की भूमिका के बारे में, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था तो इस फैसले में संसद में कोई भूमिका नहीं थी। पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल कर देखते हैं कि संसद का कहीं कोई जिक्र था। निम्नलिखित है तो मंडल आयोग पर रिपोर्ट पर अपन इस पर चर्चा करेंगे। जो निम्नलिखित वाक्यों को दिया गया है उनको पूरा करने पर, या मतलब इसको जो मंडल आयोग होता है उस पर अपन चर्चा की थी। मंडल आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले कि मंडल आयोग क्या होता है। फिर है भारत के राष्ट्रपति, इनका भी जिक्र किया था अपन ने। तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी क्या कम वही करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह क्या करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल के बैठकों को और राजकाज से जुड़े अधिकारों का भी निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी कहीं मतलब आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति सलाहकार है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह क्या करते हैं, मतलब जो मंत्रीगण होते हैं उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। फिर है संसद होते हैं जो हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वह देखिए इस रिपोर्ट पर संसद में सरकार को जो राय प्रभावित हुई, कार्रवाई के लिए दबाव पड़ा, संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं, सरकार कदम नहीं उठा सकती। फिर हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं उसकी सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक का अधिकारों का क्या करती है? प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचन प्रतिनिधि की राष्ट्रपति सभा के क्या कहा जाता है? सदस्य सभा को सदस्य कहा जाता है। जो जनता की ओर से सर्वोच्च नागरिक, मतलब जो जनता जिनको जनप्रतिनिधियों को चुनती है उनकी सभा, और जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीति अधिकारों का जो प्रयोग करती है वह प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। फिर है राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। मतलब जो राज्य के स्तर पर होती है उसे विधानसभा कहते हैं। अब अलग अलग देशों में इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है और जनता की ओर से राजनीतिक अधिकार का, ये जनता की ओर से कई तरह के जो राजनीतिक अधिकारों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो मतलब हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है इसके विषय में हम देखेंगे। अधिकतर जो राजनीतिक होते हैं वह मतलब उनको जो आपने अधिकार दिए, जनता के द्वारा जो अधिकार प्राप्त होते हैं राजनीतिक अधिकार, उनका प्रयोग कौन करता है? जनप्रतिनिधि करता है। फिर मतलब जो चूंकि सार्वजनिक मामलों में किसी देश की जो राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस होती है वह भी कहां होती है? संसद की सर्वोच्च संघ। और संसद में मैं किसी भी सूचना को हम क्या कर सकते हैं? मांग भी सकते हैं। और सरकार हर फैसला संसद पर नियंत्रण, जो सरकार का हर फैसला जो होता है वह काय पर? संसद पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। और अधिक सांसद की मंजूरी के बाद सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जा सकता है। तो हमें सांसद की आवश्यकता क्यों होती है? फिर किसी भी देश कानून बनाने के लिए क्या करते हैं? एक बड़ा अधिकार सांसद होता है। कानून बनाने
यह कानून का काम करती है और सभाओं को विधायिका कहते हैं। मतलब जो काम इतने महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर में जो संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को क्या करते हैं, जो कानून है उनको आप संशोधन भी कर सकते हैं और मौजूदा कानून को खत्म भी करके उसकी जगह में नए कानून बनाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद है कि दुनिया भर में जो संसद सरकार चलाने वाले होते हैं, नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकार व प्रयोग करते हैं, तो भारत देश में इसको सीधा और पूर्ण नियंत्रण उनको क्या है, हासिल है। सरकार के हर फैसले पर, जो सरकार के हर फैसले पर सांसद होता है उसका नियंत्रण होता है और अधिकांश देश में सांसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक खर्चे किए जाते हैं। सार्वजनिक मसलों पर किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसदीय सर्वोच्च संघ होता है। तो ये हो गया, आपको बता दूं हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है और उसके अधिकार क्या होते हैं। फिर संसद के दो सदन होते हैं, आपको बता दूं संसद के दो सदन, चूंकि अपना देश कैसा है, आधुनिक लोकतंत्र से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोकतंत्रों में और की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में संसद को भूमिका और अधिकारों को बांट दिया जाता है। इसमें चैम्बर या सदन मतलब उसको जो बड़े देश है वहां पर भूमिका को अधिकतर दो भागों में बांट दिया जाता है, उसे चैम्बर या सदन भी कहते हैं। फिर है आपको मतलब सदन में सदस्य आमतौर पर कैसे होते हैं, सीधे जनता के द्वारा क्या होता है, उनका चुनाव होता है और जनता की ओर से ही असली अधिकारों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और इसमें अमूमन इनका परोक्ष रूप से क्या होते हैं, चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं, काम कुछ विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों में निगरानी करना होता है। तो जो सदन होते हैं वो कैसे होते हैं, दो भागों में। आपने पिछली कक्षा में मतलब आपको मैंने पिछले वाले अध्याय मतलब इसी अध्याय में पिछली कक्षा में आपको बताया था कि भारतीय संसद के बारे में चार को आप मतलब जो अध्याय चार है तो अध्याय चार का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत 4.2 है ना, 4.2 संसद के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो दो सदनों के गठन का प्रमुख अंतर करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। आपको इस पार्ट के अंतर्गत अलग अलग देना है। कुछ सदस्यों की संख्या मतलब कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है और सदस्यों को कौन चुनता है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। आपके लिए आज होमवर्क है कि कुल मतलब जो सांसद होते हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है और सदस्यों का चुनाव कौन करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको ये सब बताया था। तो क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी रहती है, तो ये आपको छोटे छोटे प्रश्न है। ये एक नंबर के आपको खुद स्वयं आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, आपको हल करने हैं। फिर है लोकसभा बनाम राज्यसभा। तो दोनों सदनों के अधिकार प्रभावशील होते हैं, मतलब जो दोनों सदनें होती हैं उनके जो अधिकार होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रभावशील होते हैं। तो राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस या लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो लोअर हाउस या अपर हाउस कहा जाता है, इसका मतलब है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभाव, जो राज्यसभा है लोकसभा से क्या है, ज्यादा प्रभावशाली होती है। मतलब उसको बोलचाल की पुरानी शैली है, हमारे संविधान में इस भाषा का इस्तेमाल मतलब नहीं की गई है। संविधान में राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार को सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। तो कैसे है, जो लोकसभा के पास जो अधिकार प्राप्त है वह किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो वह कैसा होता है, उसको अंतिम फैसला सदनों के सदस्यों का एक
एक साथ बैठते हैं, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में जो उनकी मतलब संख्या की अधिक संख्या होने के कारण बैठक में लोकसभा में विचार को प्राथमिकता मिलने की, मतलब जो लोकसभा में जो अधिक संख्या होने के कारण मतलब उनके सदन मतलब जो दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। फिर लोकसभा पैसों के मामले जो होते हैं वह अधिक अधिकार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब लोकसभा के पास जो भी मतलब अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसा संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा क्या करती है, उसे खारिज नहीं कर सकती। मतलब जो लोकसभा से जो भी कोई भी कानून अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसको खारिज कर सकती है। और राज्यसभा उसे पारित करने के लिए कितना करता, कितने दिन की मोहलत देता है, कितनी देरी लगाता है, 14 दिनों में वह इसे संशोधन में, मतलब आपसे अगर कोई कानून बन रहा है तो उस कानून को बनाने के लिए आपको सुझाव के लिए 14 दिन भी दिए जाते हैं कि आप लोकसभा अधिकारों को उन सुझाव को माने ना ना। फिर है सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को क्या करता है, नियंत्रित, जो लोकसभा होती है वह मंत्री परिषद को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और व्यक्ति प्रधान मतलब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में, तब जब लोकसभा के बहुमत से ही प्रधानमंत्री का क्या होता है, चुनाव होता है। और अगर आधे से अधिक सभा मतलब जो लोकसभा सदस्य है यह कह दे कि मंत्री परिषद या विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उनके सहित सभी मंत्रियों को पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। जब तक पूर्ण बहु लोकसभा में जब तक पूर्ण पन मतलब मंत्रियों का पूर्ण बहुमत ना हो तो वह चुनाव मतलब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए परंतु अगर अविश्वास मिल गया क्या आधे सदस्यों ने ही आपको चुना तो प्रधानमंत्री समेत सभी सदस्यों को पद छोड़ना होगा और राज्यपाल को यह अधिकार हासिल